बेकसी हद से जब गुजर जाए, बेकसी हद से जब गुजर जाए, कोई ये दिल जिए के मर जाए। बेकसी हद से जब गुजर जाए, कोई ये दिल जिए के मर जाए। बेकसी हद से जब गुजर जाए। कितना प्यारा गीत है मुकुंद जी। इस गीत के बारे में थोड़ी और जानकारी क्या आप हमें दे देंगे? ये नय्यर साहब ने कंपोज किया हुआ गीत है। अच्छा। फिल्म रागिणी से। अच्छा। गीत था जी। एस एच बिहारी साहब ने इसके बोल लिखे थे और आशा जी ने गाया था। अच्छा अच्छा। और कभी आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा अपने दर्शकों से कि ये फिल्म ये गाना पर्दे पे खास तौर पे देखें, क्योंकि बड़ी अच्छी तरह से इसको पिक्चराइज किया गया है। अच्छा जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस गीत में किसी एक राग की परछाई दिखाई देती है? क्यों ना हम पंडित विजय जी को ऊपर कर यहाँ पधारे हुए हैं, इनका पहले स्वागत करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। सर, इस महफिल में आपका स्वागत है। और अभी जो मुकुंद जी ने जो गीत सुनाया जी, वो कौन से राग पर आधारित है? वो देश राग है। देश राग। अच्छा, तो सर आपसे गुजारिश है कि आप हमें देश राग की जानकारी दें। सबसे पहले तो इसके आरोह और अवरोह हमें समझा दीजिए। इसका आरोह और अवरोह ये दोनों आपको गा के सुनाता हूँ जी। सारे इस राग का चलन किस प्रकार होता है? इस राग में पंचम और ऋषभ ये बहुत महत्वपूर्ण सुर है जी। और कोई ऐसे उसके फ्रेजेस हैं कि ग नी और दोनों निषाद उसमें लगते हैं। अच्छा। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। तो मैं आपको इसी राग का रागांग आपको गा के सुनाता हूँ। जरूर जी। बिल्कुल। रे मा गा रे गा ने सा ने सा रे मा रे मा प मा बनी द प द मा गाने सा रे मा पनी नी सा
सारे नीदब धरव मबदम रे पम सर मग रे गे इस राग के वादी और संवादी स्वर कौन से हैं? वादी और संवादी पंचम और ऋषभ। अच्छा। हाँ, प और रे। और ये उत्तरांग प्रधान है राग। अच्छा। ज्यादातर पंचम के ऊपर या तार सप्तक में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, चलन होता है इसका। अच्छा। और शास्त्रकारों ने जो निर्धारित किया हुआ है इस राग को गाने का जो समय है, हाँ, वो कौन सा है? समय तो रात का पहला प्रहर, और शाम को भी गा सकते हैं लेट, उसको ज्यादा 8-9 बजे सूर्य ढलने के बाद। अच्छा। तो इतने सारे वैशिष्ट्यों के बाद, हाँ, अब आपसे गुजारिश तो यही रहेगी कि कुछ खास बंदिश हो जाए इस, हाँ, राग की। इस राग में एक झुमरा ताल में एक ख्याल की बंदिश है जी, क्योंकि देश राग में ज्यादातर ख्याल ज्यादा नहीं है, नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो राग वैसे छोटा है, लेकिन, हाँ, लेकिन वैसे गाने के लिए बहुत बड़ा भी है वो। अच्छा। तो उसमें झुमरा में एक ख्याल है, तो वो आपको मैं आपको गाके सुनाता हूँ। ए रे सखी सावन सावन आया बेरा
सावन सी तस्वीर अभी सुनने को मिली है। इस लय में झुमरा बहुत कम सुना जाता है। ये बंदिश किसने किन्होंने रची थी? बाला साहेब पूछवाले जो ग्वालियर के टप्पा गायक थे और उन्हीं की ये बंदिश उन्होंने रची हुई बंदिश, इसलिए इसका क्योंकि झुमरा इस लय में बहुत कम सुना है। अभी आपने कहा कि ये ज्यादातर शाम के वक्त रात्रि के पहले रात, तो इसमें शास्त्रकारों को जो अभिप्रेत रस है, भाव है, वो कौन सा है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस, शायद इसीलिए ये जो
शुरू का गाना था, इसमें श्रृंगार का ही एक आविष्करण जो है बिरहा, या जिसे हम वियोग कह सकते हैं, जुदाई, उसका ये था प्रकटन था पहले वाला। बाकी तो इसमें श्रृंगार के काफ़ी सारे नमूने मिलते हैं, जैसे ये एक मदन मोहन साहब का एक कंपोजिशन है, आशा जी और रफ़ी साहब ने गाया। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार। कांधा भी अच्छा है। आपने सीखा है क्या दिल को लगाने के सिवा, आपने सीखा है क्या दिल को लगाने के सिवा, आपको आता है क्या नाज दिखाने के सिवा, और हमें ना बढ़िया श्रृंगार पूर्ण गाना है। और एक रफी साहब और अक्षय जी का डुएट भी इस वक्त याद आ रहा है। गोरी तोरे नैनवा नैनवा कजर बिन कारे कारे कारे, गोरी तोरे नैनवा नैनवा कजर ये एक थोड़ा सा अलग विषय है, इस पर गौर सभी लोग करें शायद। हमारा जो एक राष्ट्रगीत तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी तरह का जो सभी भारतीयों को जिस पर नाज है, वो जो गीत है वंदे मातरम, उसकी हमारे ही एक ऋषि जैसे जिन्हें कह सकते हैं, संगीतकार रह चुके हैं मास्टर कृष्णराव पुलमरीकर, उन्होंने उस रचना को देश राग में बंधा है, और काफ़ी सारे हमारे यहाँ के स्कूलों में ये वही उसकी जो धुन है वो बजाई जाती है। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देश में ही इसका है। और फिर जो दूरदर्शन पे काफी लोकप्रिय रह चुका है वो एक देश राग का जो है। वो भी है गूंजे बन कर देश रात, वो तो देश में ही बनाया गया। जी तो करता है कि यूं ही सुरों का लुत्फ उठाते रहें, पर समय की पाबंदी जरूर है। सर आप यहाँ आए और हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, तहे दिल से शुक्रगुजार तो हमेशा रहेंगे ही। कार्यक्रम में अब समापन का मोड़ आ चुका है, तो आप क्या सुनाना पसंद करेंगे? मैं एक तीन ताल में एक तराना है देश राग में है, वो आपको गा के सुना। जी जरूर जरूर। Tana na tana dere na dere na tana na tana dere na dere na tana na tana tana na tana dere na
ta ta na na de re na na de re da ne ta da ni de ta na de re na ta na de re na na ni o da ne ta ta na ta da re da ni ni ta de na ta na na ta na de re na de re na ta na na ta na de re na de re na ta na na ta na de re de re na Derena, tana, tana, derena, tana, tana, na, derena, na, der, der, da, ni, ta, da, ni, de, tana, derena, da, ni, o, da, ni, ta, 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 da, re, da, ni, di, ta, de, na, tana, na, tana, derena, derena, tana, na, tana, derena, Tana derena, tana derena, tana derena.